इलेक्ट्रॉनिक स्टफ टुडे वी कैन नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. हैकर्स क्या है, किस तरह से किया जाता है, वो हर चीज़ में देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोग एज स्टार्टर लेते हैं तो एज स्टार्टर में हमारे कॉन्सेप्ट आता था एंकर. उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ एक ही चीज़ करते थे, हाउ टू जंप वन फाइल टू अनदर फाइल. ठीक है, वो चीज़ हम करते थे. सो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चीज़ देखनी है कि किस तरह से हम उसके बाकी के जो ऑप्शन है, बाकी के जो टैग्स है, देयर आर मेनी सब टैग्स, सो वो सब टैग्स का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो हमें चीज़ देखनी है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी अबाउट ओपन द नोट पैड. देयर इज सम वन फाइल आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एंड दैट फाइल इज रिलेटेड टू एंकर टेक्स्ट. नाउ फर्स्ट वी कैन स्टार्ट विद HTML. HTML आप सभी को मालूम है, अगर HTML में हमें कुछ भी चीजें करनी है तो फर्स्ट टैग इज HTML है. नाउ सेकंड इज हेडिंग. हेड टैग का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, अगर हमें कुछ हेडिंग देना है, आप सब लोग जानते हैं कि जब भी आप बुक ओपन करते हो तो सबसे पहले आप क्या राइट करते हो, यू राइट हेडिंग. सो व्हेनेवर वी कैन राइट एनीथिंग हेडिंग इनटू आवर फाइल एट दैट टाइम वी कैन यूज हेड टैग. एंड माय हेड टैग नेम इज एंकर टेक्स्ट, दैट इज अ टाइटल. ओके, मान लीजिए कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो बुक में से, तो सबसे पहले आप हेडिंग दोगे मैथ्स, देन आप तो मैथ्स के बाद क्या आएगा, आप उसमें टाइप करोगे आपके जो भी चैप्टर का नाम है वो. सो उसी तरह इसमें भी ऐसे ही होगा, सबसे पहले आप टाइप करोगे टाइटल एंकर टेक्स्ट, देन आफ्टर ओवर दी हेड टैग. आपको सभी को मालूम है टैग जो भी आप स्टार्ट करते हो उस टैग को कंपल्सरी आपको क्लोज भी करना पड़ता है. क्लोज आप कैसे करोगे, बैक स्लैश की वजह से. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज बॉडी टैग. नाउ व्हाट इज बॉडी टैग, इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग इनटू योर विंडो यू कैन यूज मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर. जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसमें कोई भी चीज आपको स्क्रीन के बीच में चाहिए, देन उसके लिए आपको किसमें राइट करना पड़ेगा, बॉडी टैग में उसके लिए आपको राइट करना पड़ेगा. सो नाउ वी कैन सी अबाउट अ एंकर टेक्स्ट. फर्स्ट टैग इज स्मॉल टैग. कंप्यूटर टैग स्टार्ट कीजिए स्मॉल से, देन आफ्टर राइट कंप्यूटर टैग ओवर कीजिए बैक स्लैश की वजह से. अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये हमारा आउटपुट है. ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, नॉर्मली आप जब भी टाइप करते हो कंप्यूटर सो वो बड़े फॉन्ट में आएगा. ठीक है, वो कैसे आएगा, बड़े फॉन्ट में आएगा. देन अब उसकी जगह पे आप जब भी राइट करते हो स्मॉल में, आप यूज करते हो स्मॉल टेक का, देन आफ्टर वो कैपिटल वाला फॉन्ट से किस तरह से आएगा, स्मॉल में आएगा. सो देयर इज अ फर्स्ट टेक इज कंप्यूटर. और अगर आपको ये चीज करनी है, आपने कोई भी टेक का इस्तेमाल किया, कोई भी टेक अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको वो टेक राइट करना है, वो टेक को खत्म करना है, देन आफ्टर आप कोई भी ब्राउजर में जा सकते हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोज़िला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर. देयर आर बेसिकली थ्री मेन ब्राउजर, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्राउजर है, लेकिन हम इसमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर. आप ये तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ वी कैन सी फर्स्ट इज कंप्यूटर, ये अपना ओपन किया है गूगल क्रोम में. नाउ सेकंड टैग, अब सेकंड टैग इज बिग टैग. बिग टैग इज यूज्ड टू सी द वर्ड इन अ बिग टेक्स्ट. अगर हमें कोई भी वर्ड बड़े अक्षरों में चाहिए, बड़े फॉन्ट में चाहिए, देन आफ्टर हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, बिग टैग का इस्तेमाल करना है. सो आइए देखते हैं बिग टैग का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा. दैट इज अ बिग. आप डिफरेंस देख सकते हो, फर्स्ट टेक में क्या हुआ था, कंप्यूटर है वो स्मॉल में आया था कंप्यूटर स्मॉल में. अब नेक्स्ट में क्या आएगा, वो बड़े फॉन्ट में आया. जैसा रेगुलर है, जैसे हम रेगुलरली टाइप करते हैं वैसे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बी एंड रेगुलर टाइपिंग इन अ बॉडी टैग. अब अगर आपने बॉडी टैग में कुछ भी चीजें स्टार्ट किया, अगर आपने बॉडी टैग में लिखा हेलो, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे जो वर्ड हमने लिखा हुआ है कंप्यूटर, अब वही चीज आप इसमें टाइप कर रहे हो बिग में, तो कैसी आएगी, ऐसे. There is no difference between big tag and regular tag. ठीक है, complete. Now we can see our next tag is sub tag. अब सब लोग maths science related students हो, तो उसमें different type के equations आते हैं. So अगर वो type के equations हमें इसमें चाहिए, then हम किसका इस्तेमाल करते हैं, super tag and sub tag. For example,
H2O. अब H2O आप किस तरह से राइट करते हो, सबसे पहले H आता है, देन आफ्टर 2 इज अ वेरी सिंपल, H के बाजू में नीचे आता है, देन आफ्टर O इज अ बिग, इस तरह से होता है। अगर आप रेगुलरली अगर आप टाइप करना चाहोगे कि H2O, तो वो ठीक से नहीं आएगा। हम एक बार देखते हैं रेगुलरली किस तरह से आता है और इसमें किस तरह से आएगा। सबसे पहले हम बिना सब देखते H2O राइट करते हैं और देखते हैं H2O. Now, अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। That is the difference. First is without the sub there, we can use H2O. We can write one equation. Now, second is with the use of H2 sub there. Second हमने जो किया है वो sub there का इस्तेमाल करके equation डाला है. So there is a difference. Difference आपको पता लगा? All of you are understand? So there is a difference between H2O and H2O, and there is a big difference. अगर आपको equations related कोई भी चीज HTML में डाले, अगर आप अलग अलग वेबसाइट देखोगे, ठीक है, आप 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, फ्रॉम स्टैंडर्ड 5 टू स्टैंडर्ड 12, एंड देन आफ्टर आगे जब तक आप स्टडी करते हो, देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट। आप जितनी भी वेबसाइट में ये चीज देखोगे, सब वेबसाइट में अलग अलग टाइप के इक्वेशंस देते हैं, वो सब पेज है वो HTML में बने हुए होते हैं। देयर आर मेनी लैंग्वेज बट देयर आर फर्स्ट प्रायोरिटी इज HTML. इसमें से ज्यादातर लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, HTML का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेनेवर यू कैन डू एनीथिंग देन एट द टाइम यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट। हम जो भी टेक अब तक सीखे और जो भी टेक आगे सीखने वाले हैं, वो सब टेक किस तरह से जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओ, वो सभी वेबसाइट में ये टेक इस्तेमाल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट टेक इज सब टेक। जिस तरह से इक्वेशन में मैंने बताया कि H2O में 2 इज अ स्मॉलर, उसी तरह अब हमें उसका रिवर्स करना है। कोई भी टेक है उसको हमें बड़ा चाहिए, देन आफ्टर उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सुपर टेक। सो वी कैन सी द सुपर टेक X2, देखा आप लोगों ने किस तरह से आया? ये आपको मैं ज्यादातर आपको किस में दिखाई देगा, मैथ्स में। मैथ्स में जब भी आपको इक्वेशंस करते हो, तो इक्वेशंस में किस तरह का जो भी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब एंड सुपर, ठीक है। सब टेक में आप जो भी राइट करते हो, वर्ड के लिए आपको जो भी वर्ड आपको स्मॉल में चाहिए वो आप सब टेक में राइट करते हो, और सुपर में जो भी वर्ड आपको बिगर चाहिए वो आप किसमें टाइप करते हो, सुपर टेक में टाइप करते हो। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट इज क्यूब टेक। नाउ क्यूब टेक इज यूज फॉर क्वोटेशन। There is a special symbols. There are lots of special symbols in our keyboard. आप सभी लोग जानते हो, there are many special symbols. For example, dot, comma, single quote, double quote, backslash, forward slash, exclamation sign, question marks. That all signs are related to special character. That are under in a special character. So अगर आपको वो चीज करनी है, अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर को आपकी स्ट्रिंग में लेना है, आपकी फाइल में लेना है, आपके HTML डॉक्यूमेंट में लेना है, तो उसके लिए अलग अलग तरह के टैग्स आते हैं। बट HTML में वो चीज आप नॉर्मली राइट कर सकते हो, बट एक ही चीज है जो डबल कोट वो नहीं हो सकती। सो डबल कोट के लिए आपको कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन अगर आपको डबल कोट में चाहिए, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्यू। क्यू इज अ फॉर कोटेशन, रेडी। सो देखते हैं उसका आउटपुट। हम देख लिया आप लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने कंप्यूटर ऐसे ही राइट किया था तो उसमें वो कोटेशन नहीं आया था। नाउ अब हमने विद द यूज ऑफ क्यू टैग, दैट मींस कोटेशन डबल कोट टैग, सो कोट्स के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यू कोट टैग। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टैग करने से पहले देयर इज अ एंकर टैग, मेनली वी कैन यूज अ एंकर टैग। अब किसके लिए हमें दो फाइल की जरूरत है, कितनी फाइल की जरूरत है, दो फाइल की जरूरत है। सो सबसे पहले हम एक दूसरी फाइल देख लेते हैं जिस फाइल का हम इस्तेमाल करेंगे, and that file is anchor. सबसे पहले ये anchor की फाइल है, इसमें मैंने write किया हुआ है, I will write one paragraph,
I will give a HTML tag, head tag, I will use align tag, align drive. Align tag का इस्तेमाल किस तरह से आप कर सकते हो? Align tag की मदद से आप क्या चीज कर सकते हो? With the use of align tag, आपने जो भी write किया हुआ है, उसको आप left, right, center and justify. ये तीन part में आप divide कर सकते हो. ठीक है? So यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया? Right. That means कि ये paragraph मेरी स्क्रीन की राइट ओर आएगा. अगर यही चीज आप लेफ्ट में करते हो तो ये स्क्रीन की लेफ्ट साइड आएगा, सेंटर में, देन आफ्टर बीचो बीच और स्क्रीन के सेंटर में आएगा. देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड जस्टिफाई. ओके, सो आई विल क्रिएट वन फाइल. नाउ व्हेनेवर आई विल क्लिक एनी पर्टिकुलर वर्ड एट दैट टाइम दैट फाइल आई वांट टू सी. अगर मुझे कोई भी फाइल ओपन करनी है, मुझे कोई भी फाइल देखनी है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पे, मैं क्लिक करूं तो वो चीज के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वी कैन यूज एंकर टेक्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट ए, ए इज अ रेफरेंस ऑफ एंकर टेक्स्ट. देन आफ्टर एचआरईएफ, एचआरईएफ इज अ एड्रेस, दैट्स कॉल्ड द एड्रेस. सभी का कुछ ना कुछ हमारा एड्रेस होता है, जिस एड्रेस पे हम मिलते हैं. हम पूरा दिन कहीं पे भी रहे लेकिन लास्ट में हम वो जगह पे मिलते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द एड्रेस. उसी तरह हमारी फाइल का भी कुछ ना कुछ लोकेशन होता है, कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड एचआरईएफ. ओके, सो एचआरईएफ में हम क्या डालेंगे? क्योंकि जो भी फाइल हमें ओपन करनी है वो, अब हमें कौन सी फाइल ओपन करनी है वो हमें देखना है. मान लीजिए कि मुझे कौन सी फाइल ओपन करनी है, anchor.html, ठीक है, एंकर वाली फाइल, जो फाइल मैंने अभी आपको बताई थी वो फाइल मुझे ओपन करनी है. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देन आई विल राइट फाइल नेम एंड देन आफ्टर आई विल गिव एक्सटेंशन. नाउ व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन मींस कि हमारी फाइल किस तरह की फाइल है. हमारी फाइल अभी किस तरह की फाइल है? HTML. व्हेनेवर यू कैन राइट एनीथिंग इनटू नोटपैड, देन वो फाइल किस तरह की फाइल होती है? .txt फाइल, टेक्स्ट फाइल, ठीक है. मान लीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी फाइल बना रहे हैं, वो फाइल किस तरह की फाइल होती है? डॉक्यूमेंट फाइल, DOC. आप वर्ड की कोई भी फाइल देखो उसमें लास्ट में क्या आएगा? .doc. उसी तरह जब आप HTML की फाइल क्रिएट करोगे तो उसकी फाइल में लास्ट में क्या आएगा? .html. सो आई विल राइट फाइल नेम इन अ डबल कोटेशन. नाउ नेक्स्ट इज क्लिक हियर. क्लिक हियर इज द वर्ड, दैट मींस के क्लिक हियर पर जब मैं क्लिक करूं तब मुझे कौन सी फाइल ओपन होनी चाहिए? मेरी एंकर फाइल है, वो फाइल ओपन होनी चाहिए. नाउ वी कैन सी आवर आउटपुट. ओके, व्हेनेवर आई विल क्लिक, आप लोग देख सकते हैं ये सिंबल, ठीक है. नॉर्मल हमारा माउस कर्सर किस तरह से आता है पहले वो देखते हैं. रेगुलरली हम जब यूज करते हैं माउस तो किस तरह से आता है? हाँ, ये हमारा माउस कर्सर है, ठीक है. अगर आप ऐसे ही देखो तो माउस कर्सर इस तरह से आएगा, बट अगर उसकी जगह पे व्हेनेवर यू कैन मूव योर माउस कर्सर इन अ क्लिक हियर, देन एट दैट टाइम वो चेंज हो जाएगा इस तरह से, हैंड की साइन में आ जाएगा. नाउ मुझे क्या करना है? मुझे माउस से उस पर लेफ्ट क्लिक करना है. सो आई विल क्लिक ऑन अ लेफ्ट क्लिक ऑन अ क्लिक हियर. हमारी फाइल ओपन हो गई. आप एड्रेस बार में देख सकते हो लास्ट में क्या आया है, anchor.html, ठीक है, आ गया समझ में? anchor.html, that means we can jump one file to another file. अब आप लोग मुझे बताइए, ऐसी चीज आपने देखी है? हाँ, ये चीज हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? कोई भी वेबसाइट है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, उसमें 5-6 बटन्स होते हैं, फॉर्म, फीडबैक, कॉन्टेक्ट अस, डिटेल्स रिलेटेड बटन्स होते हैं. अब जब भी कोई भी बटन पर क्लिक करते हो देन एक फाइल में से दूसरी फाइल में वो चीज जंप होती है, वो एक फाइल में से दूसरी फाइल में जाते हैं. सो वो लोग क्या करते हैं, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट फाइल बनाते हैं, उसमें ये हाइपरलिंक देते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक. सो ये हाइपरलिंक की मदद से आप एक फाइल में से दूसरी फाइल में जंप हो सकते हो. सो दिस इज अवर लास्ट पोर्शन ऑफ टुडे. नाउ वी कैन सी अवर मेन फाइल वन मोर टाइम. दूसरी फाइल में जंप हो सकते हैं, वो सब चीज हमें देखे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू ऑल ऑफ यू.